नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशीलता अनुदेशक, समय के क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहन रोड लखनऊ से आप सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विषय है कि दृष्टि दिव्यांगजनों की अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशीलता में लैंडमार्क और क्लू का क्या महत्व है, लैंडमार्क और क्लू की डिफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है, इस सभी की चर्चा करेंगे हम लोग इस भाग में। सबसे पहले जब एज अ एक सामान्य व्यक्ति, हम जब किसी भी व्यक्ति को, दृष्टि दिव्यांगजन व्यक्ति को अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशीलता करते देखते हैं, तो हमारे मन में सहसा एक प्रश्न आता है कि कैसे यह एक छड़ी के द्वारा अपने लक्ष्य तक आराम से या आसानी से पहुंच जाता है, बिना टकराए, बिना किसी बाधा महसूस किए हुए अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच जाता है, ये हमारे मन में प्रश्न आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दृष्टि दिव्यांगजन जब भी अपनी अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशीलता करता है, तो वह चलनशीलता करते समय रास्ते में कुछ लैंडमार्क एवं क्लू का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा वह अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाता है। आइए जानते हैं कि लैंडमार्क और क्लू है क्या। सबसे पहले बात करते हैं लैंडमार्क की। लैंडमार्क का मतलब है एक स्थायी चिन्ह या परमानेंट कोई भी एक मार्क है। ऐसा परमानेंट मार्क या ऐसा स्थायी चिन्ह जो दृष्टि दिव्यांग जन के चलनशीलता वाले रास्ते में आए और उसकी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव, मतलब उन ज्ञानेंद्रियों से वह उस स्थायी चिन्ह को महसूस कर पाए, वह स्थायी चिन्ह उस दृष्टि दिव्यांग जन की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको सही से बता पाए, वह स्थायी चिन्ह उस दृष्टि दिव्यांग जन को उसके गंतव्य तक पहुंचने में सहायक हो। ऐसे सभी चिन्हों को हम लोग लैंडमार्क या स्थायी चिन्हों के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल, उदाहरण देखना चाहें, तो दृष्टि दिव्यांगजन के रास्ते में अगर कोई ब्रेकर पड़ता है और वह ब्रेकर उसके गंतव्य तक पहुंचने में उसकी सहायता करता है, तो वो लैंडमार्क कहा जाएगा। अगर कोई साइड में लगा हुआ पेड़ है, अगर कोई पोल है लाइट का, या कोई भी पोल हो सकता है, अगर कोई ऐसा कोई आपको साइन बोर्ड है, तो वो भी लैंडमार्क हो जाएगा। तो जो भी ये चीज़ें परमानेंट हैं, स्थाई हैं, उनको हम लोग लैंडमार्क के नाम से जानते हैं या लैंडमार्क कहते हैं। अब जानते हैं क्लू के बारे में। क्लू की डिफिनीशन, की परिभाषा बिल्कुल लैंडमार्क की तरह है, मतलब ऐसे अस्थाई चिन्ह, मतलब टेम्परारी मार्क। देखिए, लैंडमार्क में हम बात कर रहे थे, परमानेंट मार्क की बात कर रहे थे, और क्लू की हम बात करेंगे तो टेम्परेरी मार्क। ऐसे टेम्परेरी मार्क जो किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन को उसके डेस्टिनेशन में पहुंचने में सहायक हों, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों से महसूस किए जा सकें, उसका दिशा निर्धारण करें, वही सब जो है वो क्लू कहे जाएंगे। क्लू के कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि एक दृष्टि दिव्यांग जन कहीं मोबिलिटी कर रहा है, चलनशीलता कर रहा है, तो उसके रास्ते में एक मंदिर आता है, तो उस मंदिर में जो घंटी की आवाज़ होगी वो क्लू का काम करेगी। अगर रास्ते में कोई पेट्रोल पंप पड़ता है, तो पेट्रोल पंप से आने वाली पेट्रोल की स्मेल क्लू का काम करेगी। अगर कोई रोड है, तो रोड पर आने वाली गाड़ियों की आवाज़ क्लू का काम करती हैं और उस दृष्टि दिव्यांगजन के दिशा निर्धारण में सहायक होती हैं।
लैंडमार्क और क्लू किसी भी दृष्टि दिव्यांग जन की चलचुता को और अधिक बेहतर बनाते हैं। अगर दृष्टि दिव्यांग जन चलचुता करते समय लैंडमार्क और क्लू का प्रयोग नहीं करेगा तो वह अपने गंतव्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। लैंडमार्क और क्लू के साथ साथ दृष्टि दिव्यांग जन की चलचुता में डिस्टेंस और टाइम का भी बहुत महत्व है। जैसे कि जब कोई दृष्टि दिव्यांग जन एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो अपने मन में वो एक डिस्टेंस बना लेता है, मतलब इतने टाइम में, इतने समय में ये डिस्टेंस हमारा कवर हो जाना चाहिए था, मतलब मुझे यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, अर्थात मेरा डेस्टिनेशन आ गया होगा। लेकिन हम लोग जो साधारण लोग हैं, ऐसे लोगों को जब चलचुता करते हुए देखते हैं तो मन में सोचते हैं कि जरूर इस दृष्टि दिव्यांग जन ने या तो अपने स्टेप्स काउंट की होंगी या तो इसे दिखाई देता होगा। ऐसा नहीं है। दृष्टि दिव्यांग जन लैंडमार्क, क्लू, डिस्टेंस और टाइम के द्वारा अपनी चलचुता को बहुत ही आसानी से और सरलता से बिना टकराए कर सकते हैं। जरूरी है कि हम सब जब भी चलचुता करवाएं तो यह ध्यान रखें कि उन दृष्टि दिव्यांगजनों को एक्यूरेट लैंडमार्क और एक्यूरेट क्लू का प्रयोग ज़रूर करवाएं। एक नेचुरल क्लू भी हमारे साथ में रहता है, जैसे कि सनलाइट या सन प्राकृतिक क्लू का काम करता है, नेचुरल क्लू का काम करता है, मतलब सनलाइट के द्वारा हमें पूर्व पश्चिम का पता आसानी से चल जाता है, मतलब दृष्टि दिव्यांगजन को पूर्व पश्चिम का पता आसानी से चल जाता है। अतः हम अपने मन से निकाल दें कि दृष्टि दिव्यांगजन कदमों की को काउंट करता होगा, गिनता होगा या उसे दिखाई देता होगा, ऐसा नहीं है। वह लैंडमार्क, क्लू, डिस्टेंस और टाइम के साथ साथ अगर वो अपने आप को बिठा लेता है या इन चीज़ों को वो सीख लेता है तो वो आसानी से अपनी चलचुता पूर्ण कर लेता है। यही था किसी भी दृष्टि दिव्यांग जन के जीवन में लैंडमार्क और क्लू का महत्व। इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर किसी अन्य विषय के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।